हाय एवरीवन, मैं हूँ तौसीफ़। और दोस्तों, ये गाड़ी में 2772 कोड है और ये बार बार ये आ जा रहा है, कैलिब्रेशन कर देते हैं, आ जाता है, कैलिब्रेशन कर देते हैं, आ जाता है, ये बार बार ऐसा ही कर रहा है। देख पा रहे हैं, एमआईएल की बत्ती जल रही है कंटिन्यू और मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो अब जो गाड़ी में बार बार ऐसा दिक्कत आए तो उस गाड़ी में हम क्या कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें सब्सक्राइब। और दोस्तों, आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो फाइनली देख पा रहे दोस्तों कि हमारा आरपीएम 30 पे है और हमारा जो एमआईएल की बत्ती है वो कंटिन्यूज़ ब्लिंक है। तो चलिए, अब साइलेंसर में क्या करना है जिससे आपका 2772 नहीं आए। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कि ये हमारा साइलेंसर है और जब इसमें नॉक्स ज़्यादा हो जाता है, सीमित मात्रा से ज़्यादा हो जाता है, तो ये 2772 क्रिएट कर देता है, ठीक है। और जब 2772 क्रिएट कर देता है तो गाड़ी का जो कैपेसिटी, जो मतलब गाड़ी का टॉर्क है, वो 30% तक डाउन कर दिया जाता है, जिससे कि गाड़ी पिकअप नहीं लेती। ये है नॉक्स सेंसर, जो हमारा नॉक्स को रीड करने के लिए लगाया जाता है, और वो है SCR टेम्परेचर सेंसर, जो मतलब इसके अंदर क्या टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर बताने के लिए होता है। और ये यूरिया स्प्रे है। और अब आपको क्या करना है इस गाड़ी में, कुछ नया, ठीक है। तो चलिए उसी पर हम बात कर लेते हैं। फाइनली देख पा रहे दोस्तों, ये साइलेंसर है। और अगर किसी गाड़ी का साइलेंसर चौक हो जाए तो जो तरीका मैं बताने वाला हूँ आप उसे यूज कीजिए। और बार बार अगर 2772 आ रहा है कैलिब्रेशन करने के बाद भी, तो शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और मैंने भी ऐसा करके बहुत सारे गाड़ियों का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, हालांकि वो 6 महीना साल भर आपको मतलब कि वो फॉल्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। फाइनली दोस्तों, इसका हमने 2 वोल्ट को खोल करके निकाला है और इसके बीच में 1 सिक्का को डाल दिया है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये नॉक्स को प्रोड्यूस होने ही नहीं देगा। जैसे ही उधर नॉक्स बनने लगेगा, ये इधर से रिलीज हो जाएगा और हमारा जो नॉक्स सेंसर है वहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू डाउन जाएगा, जिस कारण हमारा 2772 इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप कैलिब्रेशन करके और ये प्रोसेस करके छोड़ देते हैं तो आपका गाड़ी में 2772 आएगा ही नहीं जल्दी, ठीक है। तो आप ऐसा करें और यही तरीका अपनाइए। फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं इसके बीच में हमने सिक्का डाला है। और अब आपको देखना है कि गाड़ी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, देख पा रहे हैं कि अभी हम हवा को महसूस कर रहे हैं, एग्जॉस्ट गैस को। तो अब इसके सामने हम एक प्लास्टिक का टुकड़ा डालते हैं, देख पा रहे हैं जब गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरह का हमको हवा आ रहा है अंदर से, ठीक है। तो ऐसा ही हवा आना चाहिए, यानी कि एकदम पतला ही नहीं। अगर एक बार में नहीं हो तो इसमें मोटा वाला सिक्का डालें, कोई 5 रुपये वाला, ठीक है, तो ज़्यादा आपका काम करेगा और इधर से ही नॉक्स प्रोड्यूस हो जाएगा और हमारा जो है 2772 दोबारा नहीं आएगा। और हमने बहुत सारे गाड़ी में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है और बहुत सारी गाड़ी में, और 90% सक्सेसफुल रहा, 10% सक्सेसफुल नहीं रहा, जिसका साइलेंसर पूरी ही तरह चौक था, तो उसको साइलेंसर ही चेक करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर